हम कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, उम्मीद करती है अपने अपने घरों में खुश होंगे, रबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खुश है और मज़े में। और जी रात की शादी की थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं। और जनाब बाहर मौसम भी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हुआ हुआ है, मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। तो यहाँ पर ना हम करने लगे थे नाश्ता मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ, पहले बाहर के हालात दिखाऊँ। तो बहुत ही ज़्यादा मौसम प्लेजेंट हुआ, सुबह से थोड़ी थोड़ी बारिश हो, देखिए जी काफ़ी यानी कि बारिश हुई है और अभी काफ़ी मौसम प्लेजेंट हो गया है, बादल भी आ गए हैं। तो चलें लेट्स सी, देखते हैं कि अब क्या होता है। तो चलें आप लोगों के साथ मैं नाश्ता शेयर करती हूँ, क्या नाश्ता कर रहे हैं। काफ़ी ठंडी हवाएँ भी चल रही है, आज ठंड लगनी शुरू हो गई है यकीन जाने। तो चलें जी यहाँ पर मैं आपको अपना जी तो यहाँ पर करने लगे हैं नाश्ता। नाश्ते में फ्राई एग्स बनाए थे और साथ में स्लाइस क्रीम किए हैं और साथ बनाई है चाय। तो चलें यहाँ पे सारे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, तो चलें नाश्ता करते हैं फटाफट। अच्छा जी, तो ये मैंने आज ये ड्रेस पहनना है, मैंने ये स्टिच करवाया था, तो ये देखें ये मैंने खुद लगाया अभी UHU के साथ। तो बस अब इनको जो है ना मैं हल्का हल्का चारों तरफ से टांका लगाऊंगी ताकि मेरा ना ये पक्का हो जाए, क्योंकि ये मैंने दर्जन को नहीं ला के दिए थे। मैंने इसी तरह शर्ट सिलवा ली थी लेकिन आज मैंने देखा तो बहुत सिंपल सा लग रहा था, मैंने कहा चलें इसको थोड़ा सा और कर देती हूँ। तो ये मैं इस तरह से फूल लेकर आई हूँ, ये मुझे आपको दिखानी याद नहीं रही कटिंग करने से पहले, क्योंकि ना बस मुझे जल्दी थी। ये मैंने लेस लेके आई थी तो इस जो है ना लेस को मैंने कटिंग करके तो फिर मैंने इसमें से फूल निकाल के इस पर लगाए हैं, ये मैं वैसे लेकर आई थी। तो चलें यहाँ पे मेरी हो गई है मुकम्मल, उसको मैंने पाइपिंग दी थी, उसने पाइपिंग भी नहीं लगाई और आज मैंने मंगवाई फिर हस्बैंड से सुबह सुबह, तो ये भी मैंने फिर यहाँ पे इसके साथ अटैच करवा दी है। तो चलें आज मेरा ये सूट होगा, इसके साथ दुपट्टा मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी दिखाया हुआ है वीडियो में, तो चलें आज फिर मुकम्मल दिखा दूँगी। तो बस अब यहाँ पर भी मैं एक एक टसल लगा दूँगी तो थोड़ा सा और फैंसी हो जाए, और आज ये मैं ड्रेस पहनूँगी। तो ये मेरा आज का ड्रेस है, मैंने इस वक्त आपको थोड़ी सी इसकी लुक दिखाई थी, ये देखें सारे मैंने इस पर लगा लिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई, बहुत ज़्यादा यकीन माने काफ़ी टाइम लग गया मुझे, तकरीबन 3-4 घंटे तो लग गए मुझे। ये इसके साथ मेरी ये दुपट्टा हो गया और जो है ना साथ में ये ब्लैक ट्राउज़र है सिंपल। तो चले यहाँ पर मैं आती हूँ रेडी, आपको इसके साथ रख के दिखा दूँ इस तरह से है। तो शुक्र है कि मैंने जो है ना रेडी हो गया, यहाँ पे नेल कलर मैंने चेंज करने टाइम हुआ तो मैं ब्लैक लगा लूँगी, नहीं तो अदरवाइज़ फिर यही चलाऊँगी। तो चलें फटाफट से रेडी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए थे तो बस जा रहे थे। तो जी यहाँ पे ये देखिए जी मेरी फाइनल लुक। तो जी आज मैंने भी ब्लैक पहना था और हस्बैंड ने भी ब्लैक पेंट कोट पहना था। तो लकीली मेरे भाई की शादी पर भी क्या हुआ था कि मैंने एक दिन नेवी ब्लू पहना था और हस्बैंड ने भी नेवी ब्लू पहना था, तो आज भी हमारी जो है ना मैचिंग होगी। तो जी ये रही बच्चों की लुक, तो मैंने कहा जी बच्चों की लुक भी आपके साथ शेयर कर दूं। आज है दूसरा दिन वलीमे का, कल थी बारात और आज था वलीमा। आज हम लोग हाल में थोड़ा लेट पहुंचे थे कल की नस्बत, लेकिन ये है कि पहुंच गए थे। और हॉल कौन सा था, हॉल था जी मुगले आज़म, कल 4th था और आज था मुगले आज़म मिलानो था। तो जी ये दोनों मुगले आज़म में थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ जो है ना ये यहाँ की भी फ़ाइनल लुक सारी दिखा दूँ। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और नो डाउट यहाँ का खाना भी बहुत मज़े का है। यहाँ पे जी ये चिकन का सालन था, साथ में राइस थे, साथ में नान था, साथ में रशियन सैलड थी। और जी इसके अलावा यहाँ पर जो है ना मीठे में कुल्फ़ा था, तो साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी। बस फिर हम लोगों ने खाना खाया, मीठा खाया, काफ़ी इंजॉय किया। और बस फिर यहाँ पर ना जो है फिर हम लोग स्टेज की तरफ जा रहे थे सलामी वगैरह देने के लिए, करने के लिए। तो बस फिर यहाँ से फिर हम लोग हुए फारिग, फिर बैठे गाड़ी में, तो बस अम्मी वगैरह भी साथ थे, उनको रास्ते में उतारा और फिर हम लोग चल गए अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। तो बस फिर यहीं पर जो है ना काफ़ी जो है ना रश था, काफ़ी स्टक हुए हुए थे हम लोग। तो बस फिर जैसे तैसे करके हम लोग निकल आए, तो बस यहाँ पर हमारी मंजिल जो है ना रवा दवा थी, हम लोग घर की तरफ आ रहे थे। तो चलें जी यहाँ पर ना अब मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखिए, आबाद रखिए, हर नगानी फाज से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हाथ तक के सिर से बचाए, अल्लाह पाक कभी भी किसी का मताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।